जैसा कि बहुत सारी लड़कियां कहती हैं कि बड़ी बड़ी मॉडल्स को किस तरीके से जो है इस तरीके से रेडी करते हैं, कौन सी वो टेक्निक है, जैसे वो मेकअप करते हैं, जैसे कि ये आम सी बेस है, लोकल सी बेस है और हम हर वीडियो में यही बेस के रोले जो है वो सुन रहे हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊँगी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में बेस को कैसे यूज़ करते हैं। पैनकेक के जो हमारी ये बेस होती है मैक की, इसको टी वी पेन स्टिक, आप एक टी वी पेन स्टिक ले लें और एक ये बेस ले लें, इसकी ओरिजिनल आपने लेनी है और किस तरीके से मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी मुकम्मल इसी वीडियो में। तो फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपने अपनी ऐसे फ्लोलेस बेस बनानी है, ग्लोई बेस बनानी है और ऐसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इसी बेस से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अक्सा और आज आपके साथ शेयर करूंगी जी ट्रायलॉन की टी वी पेन स्टिक का एक शेड और मैक की ओरिजिनल जो है पैनकेक का जो है वेट पैनकेक का एक शेड। तो सबसे पहले जहाँ आपको ज़रूरत होती है मॉइस्चराइज़र की, आप नेविया का जो है ये मॉइस्चराइज़र ले लें। जो ऑयली स्किन वाली गर्ल्स हैं उन पर भी ये सूट करेगा और अभी मेरे हाथों की स्किन आप देख सकते हैं कि इतनी ड्राई हो चुकी है, जैसा कि विंटर स्टार्ट हो गया है। तो अभी मैं आपको इन दोनों प्रोडक्ट से जो है बताऊंगी। और अगर आपके पास जो है प्राइमर नहीं है तो आप क्या करेंगी, आपने कोई सी भी एलोवेरा जेल ले लेनी है। एलोवेरा जेल तो हर किसी के पास होती है गर्ल्स, इजीली आप ये वाली एलोवेरा जेल ले सकते हैं। अगर ये नहीं है, जो भी आपके पास एलोवेरा जेल है आपने थोड़ी सी लेनी है, क्योंकि मैं हाथ की स्किन पर आपको करके चेक करवाने वाली हूँ, जो है हमारे पोर्स को क्लोज करेगी और हमारी स्किन के ऊपर एक शाइन करेगी प्राइमर के तौर पर। अगर आपके पास जो है वो शाइनिंग क्रीम है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी बेस से पहले, तो वेल एंड गुड। ओरिजिनल आपने कैसे देखनी है कि इसकी स्क्रैच कोट होता है, स्क्रैच करने पर हमें 4 इंच पर जो है मैसेज करना होता है। अगर इसकी ओरिजिनल और फेक का आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करें, आपको मिल जाएगी। ये देखिए मैंने कितनी ज़्यादा यूज़ की हुई है, आप प्रोफेशनल जो है पार्लर में देखेंगे कि यही जो है टी वी पेन स्टिक यूज़ की होती है, जो उन्होंने छोटी छोटी डिब्बियों में जो है उन्होंने भर के रखी होती है और सामने जो है वर्कर को भी नहीं पता चलता और कस्टमर को भी नहीं पता चलता। इसी बेस से जो है वो काफ़ी महंगी महंगी बेस जो है आपको रेडी करके देती हैं और उनकी बेस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। क्या मेथड वो यूज़ करती हैं, वो सबसे पहले जो है अपनी स्किन को जो है आइस क्यूब से अच्छे से जो है यानी कि ठंडे पानी से जो है फेस को वॉश करवाती हैं, या बर्फ़ के टुकड़ों से जो है फेस को, जो स्किन के ऊपर ऑयल होता है उसको कंट्रोल करती हैं। उसके बाद वो कोई सा भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकती हैं। मैं तो आपके साथ जो मॉइस्चराइज़र शेयर कर रही हूँ ये भी काफ़ी बेस्ट है और ईजिली आप अपने घर में बेस रेडी कर सकती हैं। इसका शेयर नंबर आपके साथ शेयर कर, जो एवरी शेड नंबर है जिनको फुल कवरेज हैवी और वाइट बेस की तरफ जाना चाहते हैं, जैसा कि गांव में काफ़ी ज़्यादा ये होता है कि वाइट बेस पसंद करते हैं और जो है इस वाइट बेस काफ़ी ज़्यादा जो है गर्ल्स पसंद करती हैं, तो आप ये वाला शेड ले सकती हैं। जो हर स्किन पर आप वाइट बेस के लिए फुल कवरेज के लिए आप ये वाला शेड है। तो मक्खियों ने तो जैसा कि मेकअप करवाने के लिए वो आ ही चुकी हैं, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ जी मैंने किस तरीके से जो है इसे यूज़ किया। सबसे पहले जो है मैंने क्रायलोन की टी वी पेन स्टिक, जो जैसे आपको बताया, टी वी पेन स्टिक लगाने के बाद आपको पानी की मदद से इस तरीके से देखें कितनी शाइनी बेस हो जाएगी। और इसके बाद जो है आपको मैं बताती हूँ कि क्या करना है, आपने कोई सा भी टिश्यू लेना है, उससे जो है बेस को कवर यानी कि बेस के ऊपर रख देना है ताकि ये पानी को अच्छे से जो है वो अपने अंदर जज़्ब कर ले टिश्यू। इसके बाद मैंने कोई सा भी कम्पैक्ट पाउडर लिया है, सस्ता सा कम्पैक्ट पाउडर लेके आई हूँ, आप ग्लैमर फेस का भी ले सकते हैं, मेरे पास है मडोरा का और नेचुरल कलर है जो हर स्किन पर जो है ईजिली वर्क कर जाएगा। तो अभी लाइव आपके सामने चेक करवाने वाली हूँ, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। तो अभी आप देख सकते हैं दोनों हाथों की स्किन पर आपकी काली से काली भी रंगत होगी तो इतनी वाइट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।